वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो रहने वाला है मध्य प्रदेश में जो आपके एसटीसी होती है यानी डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों में सेम है दोस्तों, बस राजस्थान में ये फ़र्क है इसमें कि जो आपके राजस्थान में एसटीसी होती है उसमें दोस्तों आपके प्री एग्ज़ाम होता है, यानी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होता है इसको डीएलएड का एग्ज़ाम भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में ये एग्ज़ाम होता है और मध्य प्रदेश में ये एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से कोई भी अगर आपके एसटीसी या डीएलएड करना चाहता है राजस्थान का स्टूडेंट तो आराम से कर सकता है और आने वाली जो रीट का एग्ज़ाम है वो दे सकता है। आपकी जो तैयारी है वो सुचारू रूप से आप कर सकते हो, कोचिंग में जाके कहीं पर भी, यहाँ पर बैठे बैठे आप अपना जो एजुकेशन है बीएसटीसी वो पूरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको पहले भी ये वीडियो बताई थी, इसके अलावा बहुत सारी वीडियो मध्य प्रदेश बीएसटीसी से संबंधित बताई थी। और कोई भी स्टूडेंट जो राजस्थान का है यानी राजस्थान वाले मध्य प्रदेश से जो एसटीसी या डीएलएड कैसे कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले योग्यता क्या रहती है, ये जो मध्य प्रदेश भोपाल मंडल है दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के मानदंड के अनुसार अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा भोपाल में हायर 10+2 यानी कि आपके ट्वेल्थ में सर्टिफिकेट या न्यूनतम 50% आपको यहां पर उत्तीर्ण होना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति के संवर्ग के लिए 5% की यहां पर छूट दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रवेश हेतु न्यूनतम 1 जुलाई को आपकी 17 वर्ष की आयु जो पूर्ण होनी चाहिए। ये तो दोस्तों हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात। ऑल इंडिया के कहीं भी स्टूडेंट हो और वो मध्य प्रदेश से आपके एसटीसी या बीएड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। और ये सीटों की संख्या वगैरह सब कुछ टोटल आपको दे रखा है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर राजस्थान वाला है या मध्य प्रदेश वाला है, अगर मध्य प्रदेश से एसटीसी या डीएलएड करनी है या उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है या उसकी मान्यता है या नहीं है, मैंने पहले वीडियो बनते बताए थे उसकी राजस्थान में फुल मान्यता है फर्स्ट बार, सेकंड बार उसकी शैक्षणिक योग्यता 50% चाहिए ट्वेल्थ में। इसके अलावा आपके 17 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और दोस्तों आपके आधार कार्ड, फ़ोटो, आईडी, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर, ये टोटल दोस्तों आपके ईमेल आईडी वगैरह एक पीडीएफ में आप मुझे व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। फीस या अन्य किसी बातचीत के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। जो राजस्थान वाले स्टूडेंट हैं वो मध्य प्रदेश से एसटीसी कर सकते हैं डायरेक्ट, इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसमें दोस्तों आप एडमिशन आज ही लें। और इसकी प्रवेश प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों, 18 मई से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। और इस बार जो जल्दी ही सभी सीटें भरेगी, कारण क्या है कि सभी स्टूडेंट जो बाहर से करना चाहते हैं वो उन्होंने लगभग अपना मन बना लिया है और बाहर से यानी कि मध्य प्रदेश या हरियाणा से वो एसटीसी कर रहे हैं और अपनी यहाँ पर बैठकर राजस्थान में बैठकर तैयारी कर रहे हैं रीट की। धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।